जबरदस्त। अच्छा, दूस को इंडिया का इतनी टैलेंट कैसा है? हाउ डू यू सी, बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल हु वर्क इंटरनेशनली, सो इंडिया में टैलेंट कैसा ग्रो कर रहा है? अच्छा कर रहा है क्या? और उनको डायरेक्शन सही मिल रहा है क्या? उनके लिए एग्जांपल बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिकली करेक्ट होकर नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की ना एक खासियत है, यहाँ के लोग ना बहुत जल्दी सीखते हैं, मतलब कैचअप बहुत जल्दी करते हैं। इन्वेंशन तो हमारे यहाँ होती है, पर कैचअप करने का जो वो जरिया है वो बहुत जल्दी है यहाँ पे लोगों का ना सीखना। तो बाहर कोई भी स्टाइल आता है तो यहाँ बहुत जल्दी उसको कॉपी नहीं करेंगे, इंस्पायर हो जाते हैं लोग और उसके अराउंड कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे। जो हिप हॉप को वहां पे 1960s 50s में बरोज में, 70 में थोड़ा आगे आया, 80 में थोड़ा और बड़ा हुआ, 90s में इट वॉज नोन वर्ल्ड वाइड, 2000s वॉज द ब्यूटिफुल गोल्डन एरा ऑफ हिप हॉप, और उसके बाद अभी तो हम लोग को इतना पता है कि हम छोटे छोटे आर्टिस्टों को भी जानते हैं वहां के, क्योंकि यूट्यूब आ गया, प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं। वो उन्होंने उन लोगों ने जो वो जर्नी इतने सालों में कंप्लीट करी है वो यहाँ के लोगों ने पिछले 15 सालों के अंदर कर ली है। बोहेमिया पाजी आए थे जब बहुत मेन स्ट्रीम हो गया था, देन हनी सिंह केम इन, देन बादशाह, मी, इक्का, लिल गोलू, ऑल दीज गाइज, और अब इतने सारे नए लोग आ गए हैं कि मतलब बंदों की गिनती नहीं है। बट जो ये फेज था, ये छोटा सा फेज, ये कवर कितनी जल्दी हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बोहेमिया टू अ मूवी बीइंग मेड ऑन हिप हॉप, इट वॉज अ जर्नी दैट वी कवर्ड रियली फास्ट। तो इंडिया कैचअप बहुत जल्दी करता है, और वही है कि हमको भी इसलिए रोज सीखना पड़ता नया, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तो ये याद रखना भाई कि जिसने किया आलस, बस समझ जाओ तुम दिल्ली वाली भाषा में। तो बढ़िया, नहीं तो ये जो टाइम मिला लोगों को, ये लोगों को क्रिएट करने का, सीखने का और लर्न करने का टाइम मिला, तो वंडरफुल। चलते चलते रफ्तार, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। आपने बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट किया अपने पेजेस पे, अपने चैनल्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रिशिएट किया। व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम, बिकॉज दे आर द फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स, वो आगे रहकर लड़ रहे हैं हमारे लिए, सो एनी मैसेज फॉर देम। मेरी खुद सिस्टर है जो मेरे मामा की लड़की है, केरला में है इस टाइम, और फर्स्ट कजन ही है, और वो खुद एक नर्स है और वो फ्रंट लाइन से बैटल कर रही है। इसको बैटल नहीं करेंगे वो लोग, इसको अपना कर्तव्य मानते हैं, वो इसी के लिए सारी पढ़ाई करते हैं, फॉर देम इट्स अनदर डे। बट सिर्फ यही है कि लोगों की तादाद बढ़ रही है और परिश्रम ज्यादा लग रहा है, तो वो अपनी तरफ से ड्यूटी निभा रहे हैं, पर हमारे लिए वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोल्जर्स, वो देश को बाहर से बचाते हैं, ये देश को अंदर से बचा रहे हैं, तो दोनों बहुत जरूरी है। अमेजिंग। एक लास्ट रिक्वेस्ट आई थी मुझे अभी मेरे पर्सनल मोबाइल पे आई कि व्हेनेवर रफ्तार क्रिएट समथिंग, उसमें मैसेज भी होता है और एक डांट भी होती है। तो कोरोना में अभी भी लोग हैं जो बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला 21 दिन के बाद कुछ लोग हैं जो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ उस पर कुछ रैप या कुछ क्रिएशन आने वाला है जिससे कि उनको थोड़ा मैसेज मिले कि भाई स्टे एट होम, 21 दिन स्टे इन और दिन मत गिन। हाँ एग्जैक्टली, दिन तो मत गिन भाई, दिन मत गिन, अभी रुक, सर्वे करो, आसपास देखो, खबरें पढ़ो, उसके समझ के उसके हिसाब से बाहर जाओ। 21 दिन के बाद कोई जादू नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेम, यही ट्रबलसम रहेगा। जब इटली जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखो, यहाँ से लोग बोलते हैं ना विदेश में क्या है, विदेश में कितना कुछ है, यहाँ से लोग भाग जाते हैं, वहां की हालत इतनी बिगड़ गई है, तो यहाँ सोचो क्या होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है, पर बंदे बहुत ज्यादा है, समझ रहे, बंदों के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है। तो उस चीज की परेशानी आप लोगों को ना हो, आप उन बंदों में ना आओ जिसको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ जाए, तो आप घर पे रहो। काफी रैपर्स ने गाना बना दिया है कोरोना के ऊपर, अभी मैंने आज ही देखा किसी ने मेरे को टैग किया है, मीवे ने भी निकाला है, आरसीआर ने भी निकाला है, काफी मेरे को लड़कों का इनबॉक्स में आया था कि भैया मैंने कोरोना पे रैप बनाया, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर यू नो अवेक, और काफी इन लोगों की रीच भी है, लोग पहुंच पाए हैं। तो अब यही होगा ना कि भेड़चाल हो जाएगी, सब कर रहे हैं, मेरी तरफ से सलाह यही रहेगी कि देखो जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और घर पे रहो, संभल के रहो।